हाय मेरा नाम है ओम और आज जहाँ पे आएंगे ना डे व्लॉग है। मतलब ये होता है कि नाइट वीडियो बनाने से पहले एक बार हम दिन में देख के आते हैं कि दिन में क्या है। मेरे साथ ये आया मेरा स्कूल का दोस्त पांडे, और पांडे बार हाय बोल दे भाई। हाय गाइस, हाय गाइस, वेलकम टू तुम्हें। तो हम वहाँ पे आए, स्टोरी में बताता हूँ कि पहले एक बार ना मैं घूम के दिखाता हूँ। ये जो तो दीवार दिख रही है, दीवार जो भी थे इसको फांद के अंदर आए हैं। क्योंकि हम पहले हमें कन्फर्म नहीं था कि हम आए कहाँ से, क्योंकि इसके अंदर आने का रास्ता नहीं था। वो सेकेंड हम जब फांद के आए तो हमने टेक सोचा अंदर लेते हैं। और ये जंगल जितना भी बड़ा सा है, देखो दूर दूर तक पूरा जंगल जंगल, मतलब दूर दूर तक जंगल जंगल दिख रहा है। और इसके बाहर जैसे वो जो दीवार है ना, दीवार के उस पर हर तरफ है खेत खेत। यहाँ की स्टोरी मैं बताता हूँ कि स्टोरी क्या है। यहाँ पे मतलब बाहर की तरफ ना, मतलब थोड़ा सा दूर, मतलब बीच में ना खेत में वो थे, मतलब दो साधु टाइप थे। उन्होंने मतलब अपनी झोपड़ी सी बना रखी थी, कुटिया टाइप, और वो लोग उसमें रहते थे। तो जो जमींदार होते जिनका खेत था, वो कहता था कि तुम लोग यहाँ से खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ। बट वो लोग नहीं जा रहे थे। तो फिर क्या किया कि जमींदार ने या फिर किससे उनको मरवा दिया, और मरवा के यहाँ पे इन कहते हैं यहाँ पे लटका दिया था या फेंक दिया था। उसके बाद उनकी फांसी दे दी थी, मतलब मार के यहाँ पे फेंक लटका दिया था। तो उसके बाद कहते हैं दोनों जो साधु हैं ना, जो दोनों साधु हैं वो आज भी इन जंगलों में दिख जाते हैं। मतलब बस वही पूजा करते हुए, और जैसे साधु के भेष में कोई खड़ा दिख जाएगा, मतलब बड़े बड़े बालों में ऐसे कोई दिख जाता। और उन खेत में जहाँ पे वो खेत है ना, हम दिखाएंगे वो खेत में ना, मतलब अब वो बंजर हो गया खेत में। हल्का सा आपको दिखाएंगे, वो बंजर हो गया, वहाँ पे अब खेती नहीं होती है उन साधु का, मतलब शराब से या फिर उनके मरने के बाद। तो उसके बाद कहते हैं उस खेत की तरफ तो नहीं, बट इन जहाँ पे जो पूरा जंगल सा है, पूरा जंगल हो गया एक टाइम। पता नहीं शायद यहाँ पे खेत थे या नहीं थे, मुझे नहीं पता, शायद खेत नहीं थे, बट इस बाग में, इस जंगल में वो लोग भटकते हुए दिखते हैं, भटकते हुए। और पता भी यहाँ पे मैंने जब तू फोन पे था तो वहाँ पे मैंने एक से पूछा, तो उन्होंने ये बोला ना कि जैसे कभी शाम की आरती का ऐसे कुछ टाइम होता है ना, तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कि कोई पूजा वूजा कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो ऐसा कुछ आवाज आती है, कोई घंटी टाइप ऐसा कुछ, मतलब जैसे बता रहा है ऐसा कुछ होता है आरती टाइप। तो अभी दिन के टाइम तो हम आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है दिन के टाइम। अगर हम देखते हैं शाम की आरती के टाइम ना, अभी 6 बजने वाले हैं, शाम की आरती होने वाली है, शाम की आरती भी होने वाली है, देखते हैं कि होता नहीं, बट रात को भी आएंगे। क्योंकि जो पंडित लोग होते हैं ना, वो अक्सर रात की भी आरती करके सुबह की, अगर हम क्या पता सुबह भी आए, सुबह की आरती तो मस्त होती है, सुबह की भी करते हैं, जैसे सुबह 5-6 के करीब भी होता है। तो ये पूरा जो व्लॉग है हम आपको पूरे एक बार पूरा जंगल दिखाते हैं इसका नाइट, जो ये वाली वीडियो आई है ओम ओए ओम पे, इसका जो नाइट पार्ट आएगा वो आएगा ओम व्लॉग्स पे, नाइट भी जरूर आएगा। तो पहले एक बार हम पूरा ये जंगल देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये है कैसा, क्योंकि एक बार आप दिन में उसको देख लोगे ना, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये रात में कैसा दिखता होगा। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा दिन में क्या बहुत भयानक, क्योंकि बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है ये, हिम्मत झाड़ियां इतनी बड़ी है ना, हाँ। कि थोड़ा जंगली जानवरों का और सांप होगा। एक बार मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, आप बिल्कुल भी आराम से छुपे, उधर की तरफ देखो तो छुपे रह सकते हैं इसके अंदर। और ये देखो ये इधर की तरफ देखो तो काफी बड़ा से झाड़ियां हैं, तो ये सब सीन है यहाँ पे। और देखते हैं, घूमते हैं यहाँ के अंदर, पहले पूरा घूमते हैं और देखते हैं कुछ, हमें देखते हैं दिखता। और अभी थोड़ा सा मैं अंदर चल रहा हूँ, अंदर चल रहे देखने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या है यहाँ पे और क्या है क्या नहीं है। बाकी तो हम थोड़ा अंदर ही अंदर आ रहे हैं, शाम का टाइम भी लगभग होने ही वाला है। मतलब देख रहे हो जैसे ना, ये अपर्चर बहुत अच्छा है इस कैमरे का, वो पता नहीं दोस्त पांडे पर लगा पड़ा है अपना, और मैं पूरा देख रहा हूँ। और एक बात समझ में नहीं आई कि हर तरफ देख रहे हो घास घास है, बस इतनी दूर में ना घास नहीं है, क्या वजह है मुझे नहीं पता, इतनी दूर में घास नहीं है। और ना वैसे ना, जैसे बाबा लोग ड्रेस पहनते हैं ना, वहाँ की तरफ वो अगर ध्यान से देख रहे हो ना, ऐसे लग रहा है कोई वहाँ पे खड़ा है, ये जस्ट ये आई डोंट नो क्या है ये। तो वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि झाड़ियाँ हैं बीच में, देखो अगर पूरा दिन के टाइम ही ना, एक अजीब सा ही कुछ लग रहा है। और ये पता नहीं क्या है यहाँ पे, ये भी देखते हैं। काफ़ी अंदर आ गया हूँ मैं, एंड वो कहाँ है, वो पीछे आ रहा है, तो मैं काफ़ी अंदर आ गया हूँ। और ये पता नहीं क्या है, किसी की चुन्नी उन्ने टाइप, पता नहीं क्या है ये, जैसे बाबा के कपड़े होते हैं ना वैसा कुछ है शायद। ये कुछ अजीब है देखो, क्योंकि ऐसे पूरे जंगल में कहीं पे भी आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये ऐसे ये बाबा के कपड़े उड़ के आना यहाँ पे,
ये थोड़ा सा कुछ लगा मुझे, तो अभी सच बताऊं तो देखे जा रहे हैं, बट एक ना फील जो होता है ना, दिन का टाइम है काफी, शाम भी होने वाली है, मतलब शाम हो ही गई है यहाँ पे, और एक ना फील जो हो रहा है कि यहाँ पे ना आसपास कोई है। मैंने चश्मे लगा रखा है, इसमें मत देख लेना कि शाम का टाइम चश्मा रहा, ऐसे ही लगा रखा है क्योंकि नींद पूरी नहीं होती। तो पता है क्या, जस्ट मैं ऐसी आगे मेरा ये होता है कि मैं दिन के टाइम जाके देख लेता हूँ, तो मैं सोचा था कि दिन के टाइम जाके देख लूँ एक बार, और ना ये काफ़ी बड़ा, जितने अंदर तक जाए जा रहे हैं ना, जाए जा रहे हैं तो ख़त्म नहीं हो रहा। तो इतना था, बाकी मैं तो सोच रहा हूँ कि इतना बहुत है यहाँ पे देखना, और आगे थोड़ा सा और चलते हैं, देखते हैं फिर नाइट की वीडियो में भी यहाँ पे मज़ा आएगा, क्योंकि है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लग रहा है। पांडे तेरे को फील हो रहा है कुछ की कुछ है यहाँ पे? यार कुछ फील हो रहा है, मैं बता दूँ वहाँ पे जो कपड़ा पड़ा हुआ था ना, वो यूनिक था कि बाबा, पता नहीं कुछ लग रहा है कि जैसे बाबा पहनते हैं ना, थोड़ा संतरी रंग का कुछ, येलो रंग का, ये बात मैंने भी कही थी, ये बात इसने भी नोट की कि वहाँ की तरफ जो कपड़ा पड़ा है ना, कपड़ा भी कुछ ऐसे ही है जैसे बाबा पहनते हैं ना, संतरी ऐसा कुछ पीले रंग का, वही है। तो ये पूरे देखोगा पूरे जंगल में ऐसे बाबा का कपड़ा उड़ के आना, ये चीज हमें समझ में नहीं आई। आप लोग को क्या लगता है बताना, और नेक्स्ट वीडियो में पांडे रोक होगा यहाँ की तो मुझे बिल्कुल जरूर आएंगे, और नाइट का पार्ट 110% आएगा अभी यहाँ का, तो जल्दी आएगा, बहुत जल्द आएगा। और ना मैं लोग भी एक्साइटेड हो गए यहाँ का बताने के लिए, और जब मैं उधर की तरफ ना जब मैं आ रहा था, मैंने कहा था कि मेरे को कुछ जैसे बाबा कपड़ा पहनते हैं वैसे कुछ दिख रहा है, थोड़ी देर चला तो मेरे को एक कपड़ा दिख गया, तो ये कुछ लगा पांडे मुझे यहाँ पे कि यार ऐसे जंगल के बीच में ऐसे कपड़ा दिख जाना, और कुछ नहीं लगा यार कि मतलब एक तो बाबा का ये स्टोरी है, उसके बाद कपड़ा भी ऐसा ही है यार जैसे बाबा वगैरह पहनते हैं, बाबा का वो जो ऊपर से डालते हैं गमछा टाइप कुछ, जैसे इसने ये व्हाइट डाल रखा है ना बाबा टाइप, बाबा लोग ऐसे कुछ येलो टाइप में डालते हैं, गेरुआ रंग। हाँ तो एक बार हम थोड़ा इधर और चलते हैं जहाँ पे वो बाबा से कुछ दिख रहा है कि जैसे कोई खड़ा है, वहाँ चलते हैं फिर। ओड हुई या नहीं हुई आवाज़ है, पढ़ने चेक करते हैं। पढ़ने मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई गुर्रा आ रहा है ना, पता नहीं यार, आई डोंट नो, कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है नहीं, बाद में चेक करूंगा, बट तीन बार हो गया ये। हाँ फिर ये देख जब मैं उधर था ना तो मेरे को लग रहा था कि यहाँ की तरफ कोई है, और हम चले जा रहे हैं। तो इधर की तरफ है घना जंगल, कुछ नहीं है नीचे, कुछ नहीं दिख रहा, बट आवाज़ आ रही है। ये वाली वीडियो हम यहीं तक रखते हैं मुझे जहाँ तक लगता है, और मैं बाहर चलता हूँ, बाहर चल के दिखाता हूँ कि मैं वो हम कहाँ से कूद के आए, कौन सी दीवार, और ये जगह मतलब इतनी हॉन्टेड क्यों है, रास्ता कहाँ पे, और मैं खेत दिखाता हूँ जहाँ पे उस बाबा का जो बाबा का कुटिया थी, अब वो खेत बंजर हो गया, वो भी दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं बाहर की तरफ, और बाबी बाबा ने तो एक बार दर्शन ही दिए, बट कपड़ा उनका दिखा एंड लाइट नहीं आ रही, वो पता नहीं उधर क्यों खड़ा हो गया। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ दिखाता हूँ कौन सी दीवार से फांद के अंदर आया हूँ। अच्छा हम ना ये जो दीवार दिख रही है ना यहाँ पे, एक यही जो हर तरफ ना ऐसे बना हुआ है, एक ये तरफ था जहाँ पे टूटा हुआ था, तो यहाँ से हम कूद के आए थे। दिख रहा होगा आपको वाइट, ये जो पूरा वाइट जो खेत है बहुत दूर तक है, और इस तरफ भी बहुत दूर तक है। तो इस यहाँ पे कोई कुटिया थी बाबा की, इसकी वजह से पूरा बवाल मचा था, उनको मार के यहाँ इस बाग में फेंक दिया गया था। ये बाग उधर भी देख रहे हो काफ़ी बड़ा है, एंड शाम होने वाली है, सूरज देवता डूबने वाले हैं। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, दिन के टाइम ही इतना पसीना आ गया है, और ये मोर पंखड़ी मुझे अंदर में लगी तो मैंने लगा ली। ब्रिज की हर वाला वो किसना है,
तो ये वीडियो यहीं रखते हैं, वीडियो चलेगी तो लाइक कमेंट शेयर, और इसका जो नाइट का पार्ट आएगा वो आएगा ओम व्लॉग्स पे। उस भाई के चैनल को जाओ मत देखो, सब्सक्राइब कर दो, लेकिन ठीक है कर देना। तो मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, नाइट वाले पार्ट में। आपको चाहिए हो तो बता देना, नहीं चाहिए हो तो भी बता देना, क्योंकि मैं तो बनाऊंगा हम आएंगे यहाँ पे और इसका नाइट का पार्ट बना के जाएंगे। और दिन के टाइम भी बहुत कुछ फील हुआ, वो चीजें रात के टाइम भी देखना चाहते हैं। जब कहते हैं कि रात के टाइम भी नहीं सकते, कपड़ा देखना है कि नाइट पे टाइम में मिलता है कि नहीं मिलता। और वो जो आवाजें, किसी का गुस्सा करना, फिर वो दो मोर अचानक से, दो मोर, एक होता है मोर, मोरनी दिखना बात अलग होती है, बट दो मोर दिखना। अब कई लोग बोलेंगे भाई आपको कैसे पहचाने कि दोनों मोर थे, भाई एक सेंस होता है, मुझे मोर होते हैं उनकी पंखड़ियाँ होती हैं, मोरनी की नहीं होती है, तो ये बात ध्यान रखना। ये वीडियो मैं यहीं तक रखते हैं, और आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय बाय।